बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और सदाबहार अभिनेत्री रेखा, इन दोनों के बीच के अनकहे सिलसिले को हर किसी ने महसूस किया है। 37 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है इनकी केमिस्ट्री फिल्मी पर्दे पर नजर आए, लेकिन आज भी लगता है मानो कल की ही बात हो। ऐसा लगता है कल की ही बात है रंग बरसे पर इन्होंने रंग बरसाए थे, उमराउजा में इन्होंने ठुमके लगाए थे। रेखा और अमिताभ, इनकी जिंदगी फिल्मी पर्दे पर जितनी खूबसूरत रही, फिल्मी पर्दे से हटकर इनकी प्रेम कहानी उतने ही ज्यादा विवादों से घिरी रही। इन दोनों की लव स्टोरी को लेकर तरह तरह की बातें लोगों ने कही। मजा उस वक्त आया जब सवालों का सामना बिग बी से किया गया। हमारे खास प्रोग्राम रियलिटी बज में मैं आपके साथ मेघा कुछ इंटरव्यू के हिस्से लेकर आई हूं। इस इंटरव्यू में सवाल पूछे गए बिग बी से और सवालों की रियलिटी बताई महानायक अमिताभ बच्चन ने। सवाल किए सिमी ग्रेवाल ने, जवाब दिए बिग बी ने। सवाल था ये, रेखा और आपको लेकर तमाम तरह की खबरें आती हैं, खबरों पर चुप क्यों रहते हैं आप, चुप्पी तोड़ते क्यों नहीं हैं आप। बिग बी ने यहां पर बताया कि किस तरह से उन्होंने ये खबर भी सुनी है कि वो और रेखा एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं। इस तरह के सवालों का जवाब देते हुए महानायक अमिताभ बच्चन थोड़ा गुस्से में भी आ गए। गुस्से में बिग बी ने क्या कुछ कहा। सिमी ग्रेवाल का वो चैट शो जिसने रेखा अमिताभ की प्रेम कहानी को एक नया मोड़ दे दिया और ये प्रेम कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई, हमारी खास रिपोर्ट में आपको यही बताएंगे, देखिए जरा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और सदाबहार अभिनेत्री रेखा का लव अफेयर किसी से छिपा नहीं है। किस तरह से रेखा और अमिताभ फिल्मी पर्दे पर रोमांस करते करते एक दूसरे के करीब आ गए। फिल्मी पर्दे पर प्रेमी जोड़ों के किरदार में नजर आने वाले रेखा और अमिताभ की नजरें मिली, दिल धड़का और फिर इन दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया, ये बात हर कोई जानता है। लेकिन आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जब महानायक अमिताभ बच्चन जया बच्चन के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, जब अमिताभ बच्चन ने सोच लिया था कि अब रेखा के साथ अपने प्यार के सिलसिले को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते, उसके बाद तरह तरह की बातें कही गई, तरह तरह के सवाल उठाए गए और इन्हीं सवालों का सामना बिग बी से हुआ सिमी ग्रेवाल के चैट शो में। जिस तरह से आज कॉफी विद करण का चैट शो हर जगह पॉपुलर है, उस दौर में सिमी ग्रेवाल के चैट शो को लेकर चर्चे होते थे। सिमी अपने चैट शो में सेलिब्रिटीज से दिल की कई सारी बातें उगलवा लिया करती थी। सबसे ज्यादा मजेदार सिमी ग्रेवाल का वही चैट शो हुआ जिसमें गेस्ट के तौर पर सामने बैठे थे महानायक अमिताभ बच्चन। यहां सिमी ने अमिताभ बच्चन से सीधे सीधे रेखा को लेकर सवाल कर लिया। सिमी ने बिग बी से पूछ लिया, आपकी और रेखा को लेकर इतनी तरह की खबरें आती हैं, आप इन खबरों के बारे में क्या कहेंगे। महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा, ये खबरें जो बनाता है जाकर उनसे पूछिए। सिमी ने पूछा, कौन बनाता है। बिग बी ने कहा, मीडिया। बता दे आपको, रेखा और अमिताभ को लेकर उस दौर में खबर ये आने लगी थी कि बिग बी और रेखा एक साथ रहना शुरू हो गए थे और यही सवाल महानायक अमिताभ बच्चन से सिमी ग्रेवाल के चैट शो में भी पूछ दिया गया। इस सवाल के जवाब में बिग बी ने कहा, तो ऐसी बातों के बारे में क्या कहें जो मजाक के सिवा कुछ और है ही नहीं। मेरा घर है वो, मेरा परिवार वहाँ रहता है, मेरे बीमार माता पिता वहाँ रहते हैं, मैं उनकी देखभाल करता हूँ। ये काफी संवेदनहीन बात है, बिना किसी सच्चाई के, बिना किसी जांच पड़ताल के मीडिया मुझ पर आरोप लगा रही है। मीडिया मुझे कह रही है कि मैं उनके साथ उस घर में रहता हूँ जबकि उस घर में मेरे बीमार बूढ़े माता पिता रहते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन को यहाँ पहली बार रेखा पर पूछे गए सवाल सुनकर गुस्सा आया। बिग बी ने कहा कि मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने मुझे कभी उस महिला के साथ कुछ गलत करते हुए या कुछ अनैतिक करते हुए वाकई में देखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, आपने हम दोनों को एक साथ कब देखा था, आपको इस तरह की बातें करने का इशारा मिला।
बता दें आपको, महानायक अमिताभ बच्चन का ये जो इंटरव्यू है पुराना, इस इंटरव्यू में बिग बी काफी ज्यादा गुस्से में भड़क गए और बिग बी ने साफ तौर पर कह दिया कि उनके और सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बीच कुछ है ही नहीं, उनके और सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बीच इस तरह के कोई रिश्ते नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि वो और रेखा एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, लोगों को पहले सबूत पेश करने चाहिए कि आखिर उन्होंने क्या हमें कभी एक दूसरे के साथ देखा, क्या कभी हमें एक दूसरे के साथ पाया, अगर नहीं पाया तो इस तरह की बातें कैसे कह दी। तो देखा आपने किस तरह से महानायक अमिताभ बच्चन और सदाबहार अभिनेत्री रेखा को लेकर सवाल जब बिग बी से किया गया, एक घर में आप रहते थे, हमने ये भी सुना है, बिग बी ने कहा किसने देखा है उसे कहो, कोई सबूत है। अब आगे बढ़ते हैं, जिस तरह के सवालों का जवाब सिमी ग्रेवाल के चैट शो में बिग बी ने दिया, ये बात साफ हो चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, रेखा संग अपने रिश्ते को बिग बी कभी नहीं स्वीकारेंगी, रेखा संग अपने रिश्ते को बिग बी कभी नहीं मानेंगी। वहीं दूसरी तरफ सदाबहार अभिनेत्री रेखा ताल ठोक कर कहती रही, हाँ प्यार मैंने किया है, यहां उनकी जिंदगी की मैं दूसरी औरत हूं। रेखा के इंटरव्यू का भी एक हिस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये किस्सा भी आपको सुनाएंगे, देखिए जरा। बिग बी लगातार इस तरह की खबरों को झुठलाते रहे, बिग बी हमेशा कहते रहे कि उनके और सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बीच ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन रेखा दिल खोल कर कहती रही, हाँ मैं उनसे प्यार करती हूँ। बता दे आपको, भानु रेखा गणेशन, जिन्हें रेखा के नाम से जाना जाता है, 14 साल की उम्र में रेखा बॉलीवुड में आई और आज किस तरह से सदाबहार अभिनेत्री बन चुकी हैं, हर कोई जानता है। रेखा से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि आखिर आपको कैसा लगता है जब कोई कहता है कि आप अमिताभ बच्चन की जिंदगी की दूसरी औरत हैं। रेखा कहती हैं, दूसरी औरत का दर्जा पत्नी से भी ऊपर होता है। रेखा ने साफ तौर पर यहाँ जया बच्चन का जिक्र तक कर दिया और ये कह दिया, सवाल ये है, जया के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास भी है। बता दें आपको, सदाबहार अभिनेत्री रेखा कहती हैं, मैं भानु रेखा हूँ और हमेशा भानु रेखा रहूंगी, मुझे नहीं लगता कि लोग बदलते हैं। भानु रेखा बहुत शर्मीली, मोहब्बत से भरी हुई ऐसी लड़की थी जिसकी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन था और मैं आज भी बिल्कुल वैसी हूँ। रेखा ने साफ तौर पर यहाँ ये बात साबित कर दी सीधे तौर पर कि प्यार उन्होंने सबको दिया लेकिन उन्हें प्यार पलट कर कभी नहीं मिला। बता दें आपको, जब सदाबहार अभिनेत्री रेखा से बिग बी को लेकर सवाल किया जाता है, फिर सवाल चाहे एक बार किया गया हो या 10 बार, महानायक अमिताभ बच्चन और सदाबहार अभिनेत्री रेखा का यहाँ पर प्यार जो हमेशा उभरते हुए नजर आया है, इनके प्यार का ये जो फसाना है, हर कोई जानता है, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या रही। इसकी सच्चाई कोई नहीं जानता, ना तो रेखा ने कभी महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर आपत्तिजनक बात कही, ना रेखा ने कभी ये कहा कि बिग बी ने उन्हें धोखा दिया, ना महानायक अमिताभ बच्चन ने कभी ये कहा कि मैंने रेखा से प्यार किया। बिग बी हमेशा कहते रहे कि हम दोनों के बीच सिर्फ यहाँ पर रिश्ता जो है वो काम से जुड़ा हुआ है, हमने फिल्मी पर्दे पर साथ काम किया है। और सदाबहार अभिनेत्री रेखा कहती रही, हाँ मैं उनसे प्यार करती हूँ। इन सब के बीच में आपको बता दें, आज भी महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा का एक दूसरे से सामना नहीं होता, आज भी महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा एक दूसरे के साथ नजर नहीं आते, लेकिन रेखा के रिश्ते बच्चन परिवार के हर शख्स के साथ काफी ज्यादा मधुर हैं और यही इनकी जिंदगी की और इनके रिश्ते की सच्चाई है। रेखा और अमिताभ दोनों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने दिल की बात कही और जैसे ही इनकी दिल की बात जुबा पर आई, एक खूबसूरत अधूरी प्रेम कहानी का अंत वहीं पर हो गया। दोस्तों आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम रियलिटी बस में इतना ही, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, हर बार की तरह ले रहे हैं आपसे विदा इसी वादे के साथ, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत, जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और रहें अपडेटेड।